दोस्तों किसी ने मुझसे एक बात पूछी हुई है, कमेंट करके पूछी हुई थी, पर उसने कमेंट डिलीट कर दिया, पर मेरी मेल आईडी पे वो कमेंट पहुंच जाता है तो वो डिलीट नहीं होता वहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि भाई कमेंट डिलीट मत किया करो, मुझे अच्छा लगता है, पर फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने पूछा था कि कोई अगर पजेसिव हो जाता है किसी को लेके, मतलब आप किसी गर्लफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके पजेसिव हो जाती है तो क्या वो गलत होता है? तो इसमें भाई आपको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपका नाम थोड़ी ना लेता। फिलहाल मैं आपको ये सवाल का जवाब देता हूँ कि पजेसिव होना गलत नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पजेसिव हो सकते हैं। हमें डर रहता है कि कोई हमसे उसे चुरा ना ले, कोई हमसे दूर ना ले जाए उसे। हम उसको हर एक चीज़ से बचाना चाहते हैं, इस समाज से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि क्या चल रहा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम पजेसिव हो जाते हैं, है ना। कोई किसी के ट्रस्ट को नहीं तोड़ता, पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ट्रस्ट टूट जाता है, है ना। हम नहीं चाहते अपनी तरफ से कि हम किसी को धोखा दें, पर कुछ लोग ऐसे हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हमारे अपने ही हमारे खिलाफ़ हो जाते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं चीज़ों को लेके कि वो तेरे काबिल नहीं है, वो तेरे साथ अच्छी नहीं लगती, बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं। इस वजह से हमारा दिमाग भी फिर जाता है। तो दोनों रिलेशन में समझने की कोशिश है, करते रहिए धीरे धीरे। और ये पजेसिव चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं करते, तो फ़ायदा नहीं है उस रिलेशन का, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहीं पर थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उन लड़ाइयों का होना सही है अपनी जगह पर, है ना। तो कोशिश करो पजेसिव हो, दिखाओ मत, है ना, उसको प्रोटेक्ट करो, पर उसको बताओ मत, दोनों केसेस में। तो शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गया तो दोबारा से कमेंट कर देना भाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में।